नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एमन शो और आप देख रहे हैं केकेन न्यूज। सरकार का निकला काम तेलों के बढ़े दाम, यहां नहीं कह रहे बल्कि देश के मौजूदा हालात बयान कर रहे हैं। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के फौरन बाद देश की आम जनता की पॉकेट अब बड़े संकट में नजर आ रही है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पिछले चार महीनों से स्थिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में अब लगातार इजाफा होने लगा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले पाँच दिनों में चौथी बार इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल के दाम प्रति लीटर 80 पैसे बढ़ाए हैं। पिछले पाँच दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 3.20 रुपए लीटर बढ़े हैं। विधानसभा चुनाव के से पहले चार महीनों से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर थे। वहीं शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, जिसके अगले दिन यानी कि शनिवार को भी पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़े हैं। बता दें कि 24 मार्च को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया था। 22 मार्च से अब तक पेट्रोल डीजल के अलावा रसोई गैस, सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़े हैं। जानकारों के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार कई दिन तक इजाफा हो सकता है। तेल की कीमतों में हर रोज हो रहे इजाफे ने आम आदमी की जेब पर भी बोझ एक बार फिर बढ़ा दिया है। बता दें कि भारत अपनी तेल की जरूरत को पूरा करने के लिए आयात पर 85% निर्भर है। यूक्रेन रूस में युद्ध अभी जारी है और इस युद्ध का वैश्विक असर अब देखने को मिल रहा है। दुनिया भर के विभिन्न उत्पादों पर इसका असर देखा जा रहा है। अब पेट्रोल और डीजल के दामों पर अब चिंता बढ़ने लगी है। क्रूड ऑयल के दाम भी कम होने के संकेत नहीं दे रहे हैं। वहीं विपक्ष भी अब महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि राजा करे महल की तैयारी, प्रजा बेचारी महंगाई की मारी। बहरहाल एक और योगी सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है, लेकिन महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है। आने वाले वक्त में पेट्रोल डीजल के दाम कितने आगे बढ़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी।